हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के डेट में हुए यूपी पुलिस री एग्जाम आंसर की को, जो अभी अभी कुछ टाइम पहले 1-2 घंटे पहले इंड अप हुआ है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने टोटल क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब हमेशा और सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स इस एग्जाम के बाद में कल भी जो कल के डेट में एग्जाम है वो भी सारी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ वीडियो एग्जाम और जो भी अपकमिंग एग्जाम होते हैं क्रैश कोर्स से लेकर हर वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले इस वीडियो में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लगा क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि कुछ टाइम तक बच्चों का मोबाइल ऑफ आ रहा था और लगातार फ़ोन कॉल करते रहने के बाद फाइनली मिला मुझे आंसर की। तो अभी टोटल हमारे जीएस के क्वेश्चन पे मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, किस संशोधन ने संसद और राज्यसभा विधानमंडलों पर माल और सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो ये होगा आपका 101वें संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक 2014। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो यहाँ से मैं आंसर को टिक आउट करता रहता हूँ। इस किसी बच्चे का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मैं डेफिनेटली आपको आंसर बताता जाऊँगा। क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पॉइंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं, वह अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम जो अधिकृत कंप्यूटर की तरह या कार्यक्रम की तरह वर्क करता है, जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है इसे छुपाते हैं, इसे संभवतः कहते थे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ट्रोजन हार्स। इसका आंसर होगा ट्रोजन हार्स। ये एक आपके वायरस है, मालवेयर वायरस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? फ्रेंड इनका आंसर सही है, ये मेरठ से ही बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये इसमें केन, बेतवा और चंबल सारी नदियाँ ये यमुना नदी की सहायक नदी है, कल्याणी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है लेकिन फिलहाल आंसर यही होना चाहिए। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो महोबा, उसके आगे का जो भी एरिया होती है ये आपके नियर अबाउट बुंदेलखंड का ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा वो मुझे नहीं मिल पाया टोटल क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा गया था जिसमें शेर के वो के रूप में है तो किस उसको अपने संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है, तो इसका आंसर सारनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो ये आंसर इसका सी नहीं होगा, ये होगा आपका आंसर बी, बुंदेलखंड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फ्रेंड सारे बच्चों के जो पेपर होगा, पेपर का सेट होगा वो डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली महिला पत्रिका या पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? ये इसका आंसर होगा बाल बोधनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबंध है? तो ये इसमें जो इसका पूरा टोटल डिटेल निकाला देखा गया है तो ये रामपुर के एरिया के नियर अबाउट आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन इन्होंने ऑप्शन को औरैया मारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो अभी कल ही मैंने इस पर एक परसों ही इस पर मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके आंसर इसका जो आंसर होगा ये पाटलिपुत्र होगा, ना कि राजगीर होगा। ठीक है फ्रेंड, 11 का आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी आपकी 1935 में, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 पे है, चम्माचेरी, ठीक है, चम्माचेरी कुंभीकरण या कुम्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए उल्लेखनीय नर्तक हैं, आपके नर्तक हैं? तो ये है फ्रेंड इसका आंसर कथकली के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये है कथकली के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था लेकिन फिलहाल मैंने टोटल क्वेश्चन का बनाया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, कॉर्पोरेटर सांख्यिकी डेटा बिल 2016 के अकॉर्डिंग प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है? तो ये तीसरी है जो डाटा बेस दे रहा है, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया है तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी,
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9.8%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग दो नागरिकता को रिप्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम नहीं करने के नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, 14 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स 55 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 55, क्योंकि 55 के 3 में, 55 के आर्टिकल 3 में, ठीक है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट किया जाता है इनके पूरे प्रोसेस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? एम अनंत शयनम अयंगर, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 पे रिप्रेजेंट 20 को देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 शायद नीचे रह गया है, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन इन्होंने इसका आंसर आपको रिप्रेजेंट किया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो थोड़ा सा आप आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट हो गया था। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21, सीरिया की राजधानी क्या है? दसवीं के। और एक चीज़ और आपको बता दूँ फ्रेंड, घबराइएगा नहीं, क्योंकि पेपर का जो मोड था वो काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और सारी चीज़ आपके रिलेटेड किया गया है ये करंट अफेयर से। ठीक है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड सारी चीज़ पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित से कौन सी थी? म्यांमार की जो है वो क्या था ये मुद्रा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर सोमालिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा नाइजीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? नाइजीरिया, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी अमेरिका निम्नलिखित में से देशों में कौन से देश वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? तो कनाडा और जमैका में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, तो डाउट है, मैं कमेंट बॉक्स में कुछ टाइम बाद टाइप करके इसको बता दूंगा इसका आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स कनाडा जो एरिया के मामले बहुत बड़ा है जमैका की अपेक्षा, और इसमें से ये उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो में है, मैं इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ये नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नेक्स्ट फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के लिए विरुद्ध में लड़ाई में शामिल हुई? तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बाल विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, बाल विवाह से। ये पहला आंसर नहीं होगा इनका आंसर, ये गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर सी होगा, बाल विवाह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है फ्रेंड, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो ब्लैक पैंथर इन्होंने टेक आउट किया है, तो ये भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी होगा, 1972 में हुआ था, न कि 1974 में। इनका आंसर गलत है, 1972 में इसका आंसर होगा। वर्ष नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ष 2018 में किस सर्वे नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो अभी अभी कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने फ्रेंड्स इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फंसे जो मैंने यूपीसी करंट अफेयर्स को दिया है फ्रेंड्स, आप उसको अगर बिलीव नहीं हो तो फिर से आप उसको देख सकते हो, अभी कुछ दिन बाद इसका पीसीएस का एग्जाम है, उसमें सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो उसमें मैंने बताया है इसमें जो नाबार्ड ने किया है उसमें लखनऊ में किया है, ना कि पटना में, तो ये आंसर गलत होगा, इसका आंसर लखनऊ होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो जिसकी वो जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, ये प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिना लगाड़े किस देश से संबंधित है? ये इसका आंसर होगा पेरिस फ्रांस से। कहाँ से होगा? पेरिस फ्रांस से। ये इसका सही आंसर है, स्विट्जरलैंड इसका गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी आंसर इसको होगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इस कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपको थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट फ्रेंड, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है भ्रूण। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर, ठीक है ब्रीदिंग रेट आप कह सकते हो, ठीक है आमतौर पर प्रति मिनट होती है, तो ये जो पल्स रेट है ये हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, तो 60 to 75 के बीच में इनका आंसर बिल्कुल सही है, और यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में,
एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करने पर नहीं किए जा सके, नर्म नहीं किए जा सकने पर प्लास्टिक की क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जी ठीक है फ्रेंड्स, सी आंसर इनका गलत है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, ये आप टिक आउट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो एक से दो लीटर के आसपास में होता है, तो 1.8 जो है लीटर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे वो किया है? तो 21 जून। और फ्रेंड थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है इसने, लेकिन 21 जून करेक्ट आंसर है, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो 37 का आंसर होगा वो होगा फ्रेंड, दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1943 में, डोइजी एक अलग इंसान है और डैम एक अलग इंसान है। ठीक है, इनका पूरा पूरा नाम नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मॉस, इस पुस्तक के जो लेखक है, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएंगे के शंकरन नायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन के पूरे रीडिंग के दौरान अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो आपको या आंसर गलत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों शेयर करें। कुछ टाइम के बाद आपको टोटल क्वेश्चन का, जो अभी रिमाइंडर सारे क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड आगे वाली सारी वैकेंसियों में उसकी नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होती है और सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ हर एक वैकेंसी और हर एक लेटेस्ट न्यूज़ गवर्नमेंट जॉब से। यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स। वीडियो के लास्ट लेटेस्ट अपडेशन के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और कर ले बेल आइकन प्रेस, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिल रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।